जो महाभारत में है वही भारत में है, जो महाभारत में नहीं वो भारत में नहीं। एक कालजयी किताब जिसके बारे में ये वाक्य कहा गया। ये मैं अचानक आज महाभारत का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि महाभारत के नाम पर मेरे मुल्क में मूर्खता का एक नया दौर शुरू हो गया है। मुझे महाभारत बहुत पसंद है। मैंने वेदव्यास की लिखी महाभारत बहुत बाद में पढ़ी। मैंने उस पर सी राजगोपालाचारी का भाष्य भी बहुत बाद में पढ़ा। मैंने सबसे पहले कमाल के उपन्यासकार राही मासूम रज़ा का लिखा हुआ महाभारत देखा। और उसके बाद अब जब खबर आई, जब मेरे साथी मुबारक ने बताया कि श्रीमान जी महाभारत पर एक फिल्म भी बनने वाली है जो भव्यता में गेम ऑफ थ्रोन्स को टक्कर देगी, तो हम खुश हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये खुशी एक दुखी खबर का हिस्सा बन चुकी थी। खबर क्या है बताइए मुबारक साहब। खबर ये है कि महाभारत फिल्म की अभी तो वैसी ही चर्चा ही चल पड़ी है। कोई स्टार कास्ट नहीं डिक्लेयर हुई है, ना बजट कुछ सही से आया है, ना कोई प्रोड्यूसर कौन है, एक्टर्स बाकी कौन होंगे, कुछ नहीं। सिर्फ एक चर्चा चल पड़ी है कि आमिर खान जो है वो कृष्ण का रोल करेंगे। एक ये बात है, और ये है कि 1000 करोड़ के आसपास बजट होगा, शायद मुकेश अंबानी फाइनेंस करे, एक आध फाइनेंसर और, इस तरह की स्पेकुलेशन है। अभी स्पेकुलेशन ही है। तो एक फ्रांकोइस गॉटियर नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, हमको पता नहीं था ये साहब कौन है, हमने गूगल किया तो पता चला फ्रेंच जर्नलिस्ट है ये कोई। अच्छा, पहले इनका ट्वीट दिखा देते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करिए जी। व्हाई शुड आमिर खान अ मुस्लिम प्ले इन मोस्ट एंशियंट एंड सेक्रेड ऑफ हिंदू एपिक्स द महाभारता? इज बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी गोइंग टू बी लाइक कांग्रेस एंड जस्ट स्टैंड बाय नेम ऑफ सेकुलरिज्म? Would Muslims allow a Hindu to play life of Muhammad? पहली आपत्ति, एक फ्रेंच व्यक्ति, फ्रेंच नागरिक कैसे तय करेगा कि मेरे महान मुल्क में किस किरदार को कौन प्ले करे? उसको तो पता ही नहीं है यहाँ की बहुलता के बारे में या यहाँ की समरसता के बारे में। दूसरी बात, वो कृष्ण के किरदार के बारे में कितना जानता है? सबसे प्रिय किरदार कृष्ण का किरदार, जो भेद नहीं करता है, जिसके लिए ज्ञान के बराबर और कई बार तो उससे 61 ही प्रेम ठहरता है। इसीलिए जब अक्रूर जी जाते हैं और गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान देने लगते हैं, कृष्ण ने उनको जानबूझ के भेजा था, तो गोपियाँ बड़े सटीक ढंग से कहती हैं और क्या लिखा है सूरदास ने, लड़काई को प्रेम कहो वाली कैसे छूटे। अक्रूर जी लौट आते हैं, ऐसे कृष्ण जिन्होंने भेद नहीं किया जनजातियों के बीच। आप महाभारत का उद्योग पर्व देखेंगे तो भरमार है कृष्ण के इन सारे प्रसंगों की, उन कृष्ण के बारे में और उन कृष्ण को का रोल किसको करना चाहिए इसके बारे में। ये भाई साहब, क्या नाम है इनका, फ्रांकोइस गॉटियर, एक तो जो फ्रेंच वाले नाम होते हैं वो वैसे भी HB की पेंसिल दबा के मुंह में बोलने पड़ते हैं। हाँ हाँ, ऐसा होता है। JNU में फ्रेंच के प्रोफेसर थे आशीष अग्निहोत्री, वो ऐसी प्रैक्टिस करवाया करते थे। और भी कुछ इन्होंने ज्ञान दिया है? नहीं, इनका यही ट्वीट था। अच्छा, इस पे हमने सुना है कि जावेद अख्तर साहब बड़े नाराज हो गए, साहब मतलब इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने काउंटरली बोल दिया ऐसा। लुच्चे आदमी, क्या तुमने इसी महाभारत को पीटर ब्रुक्स प्रोडक्शन में बने हुए फ्रांस में नहीं देखा? मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हें इस तरह के विकृत और जहरीले विचार हमारे देश में फैलाने के लिए कौन सी एजेंसी पैसे दे रही है। जावेद अख्तर यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने अगले ट्वीट में जिक्र किया कि क्या वो बुल्ले शाह, वारिस शाह, बाबा फरीद, नज़ीर अकबराबादी, बिस्मिल्ला खां का नाम भी जानते हैं। क्यों इन नामों का जिक्र किया? नज़ीर, जिसने कृष्ण पर इतनी कमाल की कविताएं लिखी हैं, होली पर इतनी कमाल की कविताएं लिखी हैं, इन लोगों को नहीं पता हिंदुस्तान के बारे में, इन लोगों को नहीं पता गंगा जमनी तहजीब के बारे में, सूफी परंपरा के बारे में। बिस्मिल्ला खां साहब जो मंदिर की सीढ़ियों पर, बाबा विश्वनाथ की, काशी विश्वनाथ की सीढ़ियों पर बैठ के शहनाई बजाया करते थे। ये मेरा मुल्क है भारत, और इस मुल्क को समझने के लिए आपको भारत के उन सारे रंगों को जज्ब करना पड़ेगा जो आपकी सलाहियत से शायद कोसों दूर हैं। फ्रेंच कमेंटेटर साहब, मुझे इस वक्त वो अद्भुत गाना याद आ रहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और हमने कभी इसको ऐसे नहीं सोचा था, जिक्र आया तो इसलिए। यूसुफ खान पर फिल्माया गया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और उसमें कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई का संगीत है, और लिखा किसने है अमित जी? अभी हम लोग गूगल कर रहे थे, वो कौन से, राजेंद्र किशन साहब का लिखा हुआ है, सुख के सब साथी। इतना अद्भुत लगता है, इतना निर्मल लगता है
कि वो कैसा आवेग होगा जिस आवेग में मोहम्मद रफ़ी वो आला भर रहे होंगे मेरे राम है? बल्कि इंडिया के जो टॉप 10 फिल्मी भजन है इसमें 8 या 9 जो है इसमें शकील बदायूनी, साहिर, रफ़ी और पिक्चराइजेशन पे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो ऐसे कूल मगज नहीं थे ना, नहीं, बिल्कुल नहीं थे, वो ऐसे काउंटर नहीं मारते थे 84 में कहां है टाइप। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि क्या कभी कोई हिंदू मोहम्मद का रोल प्ले करेगा, तो कोई हिंदू क्या कोई मुसलमान भी मोहम्मद का रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम में पैगंबर को दिखाए जाने की मनाही है। हम व्यक्तिगत तौर पर तमाम किस्म की स्वतंत्रताओं के पक्षधर हैं, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे समझ में आता है कि ये जो स्वतंत्रता लेने की कोशिश की जा रही है, ये जबरन दूसरे को आहत करके बदला बराबर करने की कोशिश है। एक और दिलचस्प किस्सा है, राही मासूम रजा से आपने शुरू किया, राही साहब जब जिन्होंने महाभारत के डायलॉग लिखे थे उस वक्त की बात है, चोपड़ा जी ने उनसे कहा कि आपको डायलॉग लिखने, बी आर चोपड़ा ने आपको डायलॉग लिखने, उनके पास समय कम था या उनको इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। उन्होंने क्या चालाकी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि राही मासूम रजा डायलॉग लिख रहे। अब उस वक्त भी इस तरह के मूर्ख लोग बहुतायत में थे, उन्होंने लेटर्स भेजे कि कैसे कोई मुसलमान लिख सकता है, ऐसी तैसी सब कुछ। उन्होंने क्या किया, बी आर चोपड़ा साहब ने सारे लेटर्स राही मासूम साहब को भेज दिए। आपको तो गुस्सा आ गया होगा, उन्होंने कहा भाई अब तो मैं ही लिखूंगा। इनकी ऐसी की तैसी, आधा गांव लिखने वाला राही मासूम रजा, पाकिस्तान के ख्याल पर थूकने वाला राही मासूम रजा, अवध का बच्चा राही मासूम रजा, नीम का पेड़ लिखने वाला, ओस की बूंद, कटरा भी आरजू, सीन 75 लिखने वाला राही मासूम रजा, और ये चंद छटे हुए गुंडे, टोपी शुक्ला लिखने वाला राही मासूम रजा, और ये रजा को बताएंगे कि वो महाभारत नहीं लिख सकता है। उन्होंने क्या लिखा, क्या लिखा, अद्भुत लिखा, मैं समय हूँ। समय की कहानियाँ आपको लगातार सुनाता रहेगा dlalantop.com। हमारा ये मानना है कि एक किरदार को कोई भी प्ले कर सकता है, ये डायरेक्टर का चुनाव है, और आमिर खान तो कमाल ही करेंगे कृष्ण का काम। कृष्ण का रोल भी ऐसा है कि किसी को भी लालच हो जाए उसका रोल प्ले करने के लिए। माखन चुराता कृष्ण, ग्वाल बालों के साथ दोस्ती करता कृष्ण, कालिया के ऊपर गेंद लेकर नाचता कृष्ण, पूतना का वध करता कृष्ण, सुदामा की कांख से निकाल कर नमकीन हुए तंदुल खाता कृष्ण, आतिताई कृष्ण कंस को सजा देने वाला कृष्ण, पांडवों के साथ जब वो हतभाग्य हो चुके थे दोस्ती करने वाला कृष्ण, दोस्ती के बावजूद युद्ध से ठीक पहले कौरवों को अपनी पूरी नारायणी सेना देने वाला कृष्ण, द्रौपदी के पास पहुंच के उसे दुर्वासा के ताप से बचाने वाला कृष्ण, कितने कृष्ण, कितनी लीलाएं और अद्भुत किस्म की। जिस भी एक्टर को ये रोल करने को मिलेगा उसका सौभाग्य भी होगा और चुनौती भी। एक चीज़ का मुझे भरपूर यकीन है कि इन चुनौतियों में मजहब कहीं भी नहीं आएगा। बने रहिए लगातार dlalantop.com के साथ। आप चाहें तो हमारा मजहब भी खोज सकते हैं, हमारा मजहब ललन टॉप है, हमारा मजहब पत्रकारिता है, और हम इतना बोल ही क्यों रहे हैं, जिसको जो समझना है समझता रहे, अपने राम इसी में मस्त रहेंगे। चलिए dlalantop.com आपको लगातार यूं ही खबरें और विश्लेषण, अपना नज़रिया लगातार बताता रहेगा। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि हमारी बात यकीनी है, हमारी बात सच्ची है, हमारी बात हमारे वक्त की बेहतरी के लिए है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो साथी YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं वो dlalantop के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। मैं चाहता तो ये हूँ कि जब आप बेल आइकन प्रेस करें तो कृष्ण के शंख पांचजन्य सी आवाज़ आए, पर फिलहाल ट्रिडिंग होगी और आपको अनवरत बिना किसी रुकावट बिना किसी बाधा के ललन टॉप के वीडियो मिलते रहेंगे। ये है मेरे साथी मुबारक, मेरा नाम है सौरभ और कैमरे के पीछे हैं तरुण। शुक्रिया।